ये अक्षय तर्पण है, ये आँखों के लिए किया जाता है, आई साइट की प्रॉब्लम के लिए। आगे हम एक पोटली बनाते हैं और जो पोटली काम आती है हमारे, तो मुझे अभी लगभग 70% आराम मिल गया मुझे दो दिन के अंदर। 24 गोलियां खाती है जिनकी साहब। अच्छा 24 गोलियां। हाँ तो ये पड़ी अभी रिपोर्ट। इनका ऐसा है कि जिस पे हाथ इनका रखता है तो जो स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए यहाँ पे ऑयल डाल के मस्तक पे चलने में परेशानी, नी कैप पहन के चलती थी, काफी दर्द रहता था। उसका एक चम्मच गरम गुनगुने पानी के साथ रात को आपको ले लेना है। पेट में जितनी गंदगी है, अशुद्धि है, सब डार्क स्पॉट आंखों के नीचे हो रखे हैं, तो सिर्फ इसको आप एक एक दिन छोड़ के लगाना है। गुदा मार के द्वारा इस औषधि को परीक्षित किया जाता है शरीर के अंदर और शरीर की सारी गंदियों को बाहर नीचे तेज चुटकी में जाने का, जो कि 3 मिनटों से बनाया था। एक मिनट में हमने 18 बार सूर्य नमस्कार किया था। मैं 1000 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कर्ज करा चुका हूँ सर से। मैं 1 घंटे तक बिना सोचे समझे कोई भी शब्दों में उस पर इंस्टेंट रैप बना सकता हूँ। बाजू याकी आ, बाजू याकी आ, बाजू बाबू। हाँ सही पानी पकू भाई हो, पकू भाई तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो। इन शहरी में विशेष जो चौनप्रास हमने आप लोगों के लिए निर्मित किया है, जो गुड़ गुड़ से बना हुआ है और विशेष रूप से नमस्कार। पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं पहुंचा हूं शिवाश्रम पे, तो यहां इनका दावा है कि यहां हर लाइलाज बीमारी का इलाज यहां होता है, तो पूरा डिटेल जानेंगे अंदर जाकर के, तो अभी चलते हैं। तो ये है इस पूरे शिवाश्रम को चलाने वाले विजय भाई जी, और आप दावा भी करते हैं कि हम हर लाइलाज बीमारी का इस आयुर्वेद के हिसाब से आप इलाज करते हैं, तो जानेंगे अभी आपके आपसे मैं पूरी बातें। श्री शिवाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिरोधारा दी जा रही है, और यह शुरुआत थी, शुरुआती दौर में हमने अपने घर से ही शुरू किया था। यहाँ पे मेरी माता जी हैं जो औषधियों के द्वारा, पहाड़ी औषधियों के द्वारा पोटली तैयार कर रहे हैं, और हम घर के सभी सदस्य मिलके आपस में सहयोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। एलोवेरा भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सारी जड़ी बूटियाँ पहाड़ से ही हमने ली हुई हैं, और इन्हीं के द्वारा हम पोटली तैयार करते हैं, पत्र पोटली बनाते हैं, औषधि पोटली बनाते हैं। आप देख सकते हैं जिनका उपयोग हम अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। और ये देखते हैं आप थेरेपी हैं, ये लीज थेरेपी की जा रही है। हमने लीज थेरेपी अरंडी के पत्ते के द्वारा हमने उपचार किया है। ये कटी बस्ती है, ये जानू बस्ती की जा रही है। बहुत सारी थेरेपी हमने यहाँ पे की, हर प्रकार के लिए औषधि लेपन है, पोटली चिकित्सा दी जा रही है यहाँ पे, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क या टीका के लिए इस तरह की औषधियाँ, ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस के लिए ग्रीवा बस्ती दी जा रही है, और ये शिरोधारा इंसोमिनिया स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए शिरोधारा वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी। ये फुल बॉडी स्टीम है जिसमें स्टीम से पूरा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये अरंडी के पत्ते का उपयोग पहाड़ी औषधियों के द्वारा, इसमें निःशुल्क औषधि वितरण भी हमने करवाया हुआ है। ये हमारे जिला अधिकारी मैम DMM के माता जी है, औषधि लेपन इनका किया हमने, 1 महीने का इनका ट्रीटमेंट किया पूरा, और अभी ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, चल फिर पा रहे हैं। ये अक्षय तर्पण है, ये आँखों के लिए किया जाता है आई साइट की प्रॉब्लम के लिए। बाकी कीड़ा झड़ी का भी उपयोग हम करते हैं इसमें आयुर्वेदिक औषधियों में, और ये हिजामा थेरेपी कहते हैं किसी भी पेन को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। और मर चिकित्सा में भी हम प्रायरिटी चिकित्सा में मिट्टी थेरेपी हम करते हैं, ये आप मिट्टी लेपन कहते हैं, और पाँव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट के लिए उपयोग किया जाता है। प्रसाद के रूप में हम यहाँ पर वितरण भी करते हैं, और एक प्रसाद का टुकड़ा आप भी लीजिए। ये 80 प्रकार के बीमारियों को दूर करता है, खाली इसको ऐसे ही क्या किया, ये टुकड़ा है, और रोज एक टुकड़ा 80 बीमारियों से बचाएगा। मतलब पूरा आपने यहाँ आयुर्वेदिक माहौल बनाया है, मतलब प्रसाद भी आपको, मतलब प्रसाद आपने खा लिया तो उससे कई रोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जी जी, इस वक्त देख सकते हैं ये मेथी है,
मेथी सबसे बढ़िया होती है वात दोष के लिए। उसके बाद निरगुंडी है, निरगुंडी का हम तेल भी यहाँ पर देते हैं। हरजोड़ है, अश्वगंधा है, सैदा नमक है, दारू हल्दी है, बला चूर्ण है, काली जीरा है, पुनर्वादी चूर्ण है, हार श्रृंगार और गिलोई, ये जो चीज़ है ये वो है जो समुद्र मंथन में श्री कृष्ण भगवान अवतार लिए थे भगवान धन्वंतरि के रूप में, और उनके हाथ में एक हाथ में कलश था, दूसरे हाथ में पौंदा था। एक बहुत कम लोगों को शायद ही पता होगा कि उनके हाथ में जो पौंदा था वो हार श्रृंगार और गिलोय का पौंदा था। तो वो चीज़ है जो अमृत निकला हुआ है सतयुग में, उस समय से अभी तक हमारे पास वो चीज़ बची हुई है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम उपयोग करते हैं। एरिंड ये बहुत सामान्य से पाया जाता है, सभी के पास घरों में है, गाय भी नहीं खाती इसको। एरिंड के बीज है, इसके मैं बताऊं तो इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं। ये पहला एक ऐसी औषधि है जिसको आप खा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। पहाड़ों में हर जगह है, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं इसकी, और इसके बीज निकलते हैं जैसे धतूरे की तरह, इसके दाने निकलते हैं। इसके दाने जब सूख जाते हैं उसके बाद बीज बनाया जाता है। पहाड़ी में इसको इंडा कहते हैं, इंडा कुंडा। सभी औषधियों से मिला के हम एक पोटली बनाते हैं, और जो पोटली काम आती है हमारे दर्द को निवारण करने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोटली हमने तैयार की हुई है, जैसे इसके अंदर हमारी 22 जड़ी बूटियाँ हैं, और वो जड़ी बूटियाँ हैं जो हमने यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ये सारी जड़ी बूटियों एक ही, अगर आप एक ही भी औषधि उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ है। तो सोचिए 20 जड़ी बूटियों एक समय पर उपयोग की जा रही हैं, तो कोई भी दर्द हो, कितने साल पुराना दर्द हो, वो सिर्फ एक थेरेपी से ही आपका आधा कम हो जाएगा। और मैं इतना ज़्यादा पेन था कि मैं सारी रात सो नहीं पाता था, मेरे पूरे नस यहाँ से लेके और मेरे यहाँ पे खून सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो गया था, और आज मेरा तीसरा दिन है। और तो मुझे अभी लगभग 70% आराम मिल गया मुझे दो दिन के अंदर। अब मुझे 30% ही ऐसा लगता है, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ और लंबा समय करके, और जितने लोग भी इसको देख रहे हैं मैं उनको कहता हूँ कि आदमी को दिल के अंदर विश्वास होना चाहिए, और ज़रूर एक बार यहाँ मौका दें और आप देखें आयुर्वेदिक में कितना दम है। दूर दूर से यहाँ आए अपनी गंभीर बीमारी से हताश निराश हुए लोगों को फिर से खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीने के लिए शिवाश्रम के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा अलग अलग विधि द्वारा ठीक करने का भरसक प्रयास किया जा रहा था। और आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबते हैं, और सर्दियों में जो नसें सिकुड़ जाती हैं वो नसें हमारी ठीक से काम करती हैं, इसलिए आपको सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, तो मतलब इसका कहीं इलाज वगैरह आपने कहीं डॉक्टर को दिखा रहे हैं या क्या? हल्द्वानी दिखाया। तो क्या बोला डॉक्टर ने? दवाई दी। अच्छा, तो कुछ फर्क पड़ा है दवाई से? 24 गोलियां खाती है दिन के साथ। अच्छा, 24 गोलियां। हाँ, तो ये पड़ी अभी रिपोर्ट। यहाँ शिवाश्रम के आचार्य श्री विजय जी हमको एक थेरेपी कक्ष में ले गए जहाँ पर एक थेरेपी चल रही थी। फीमेल थेरेपिस्ट हैं, तो सीनियर थेरेपिस्ट ये मैम हैं। इन्होंने, इनका ऐसा है कि जिस पे हाथ इनका रखता है तो वो व्यक्ति ठीक हो गया समझ लीजिए। अच्छा, क्योंकि हाथों में बहुत व्यक्तियों को जस कहते हैं ना, पहाड़ी हाथों में जस होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैम ठीक कर चुके हैं। मीना चंद, तो अभी यहाँ कौन सी थेरेपी चल रही थी? सर, इस साइटिका की थी। इसमें पहले ऑयल से मसाज करते हैं। अच्छा। उसके बाद पोटली वगैरह होती है। अच्छा। फिर स्टीम होती है। इतने ऑयल यूज किए जाते हैं। अच्छा। इसमें शिरोधारा होती है। अच्छा। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए यहाँ पे ऑयल डाल के मस्तक पे लगाया जाता है। इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये औषधि की पुड़िया डाली गई है। तो औषधि का हम प्रॉपर इसमें स्टीम बाद देते हैं। मेरे साथ के हैं नीरज भाई, हमको नजले की, हमने उनका सिंगिंग का काम, तो उनको इतनी दिक्कत हो गई, क्या वो क्योर हो सकता है? 100% होम्योपैथिक, शायद वो चार साल से होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं। मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ नीरज भाई जी, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, 10 दिन के अंतर्गत हम आपकी वो नजली की समस्या हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, साइनस हो गया, ये चीजें हो गई, सब कफ दोष की प्रारंभ है। कफ दोष अगर आपका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, हम उस कफ दोष को शांत कर देंगे। दैट्स इट। अच्छा, आज ही आ रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को यहाँ का पता चला? फेसबुक। अच्छा, फेसबुक में देखा ना। तो मतलब किस समस्या की ज्यादा प्रॉब्लम है? अच्छा, अच्छा, बीपी की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? घुटनों की। अच्छा, घुटनों में क्या दर्द रहता है? घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, चलने में परेशानी, नी कैप पहन के चलती थी, काफी दर्द रहता था। आपने कभी डॉक्टर वगैरह एलोपैथिक में भी गई? एलोपैथिक में भी गई। अच्छा,
तो वहाँ से जो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वहाँ किया था 21 दिन का, लेकिन उससे काफ़ी फायदा है। अच्छा, इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी माता जी को, और ये एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो जब हमने इनकी स्थिति देखी तो एक तो नी कैप पहन के जा रहे थे, घुटना अच्छे से नहीं मुड़ पाता था, चलने में थोड़ा सा पेन था। तो हमने 21 दिन की इनकी थेरेपी की, जिसमें जानू बस्ती, जानू कोटली, नाड़ी स्वेदन और मसाज दिया, जिनको हमने आयुर्वेदिक तेलों का उपयोग किया। एरंडी तेल इसमें था, महानारायण तेल था, निर्गुंडी तेल था, काली तिल का तेल था, ये सारी औषधियाँ हमने उपयोग की। और 21 दिन के बाद अभी तक वो 3 से 4 महीने गुजर गए हैं। लोगों का कहना होता है कि थेरेपी के बाद, थेरेपी में तो बढ़िया गर्म सेक मिल रही है तो ठीक रहेंगे, थेरेपी के बाद वापस वही स्थिति हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता है करके। तो इसके प्रत्यक्ष साक्षी यहाँ पर हैं। मैंने हो गए तो 4 महीने पहले थेरेपी ली थी। अच्छा, 4 महीने पहले थेरेपी, तो मतलब काफी रिलैक्स है आपको। अभी जो सबसे ज्यादा जो करंट में बीमारियां चल रही है, एसिडिटी की, मतलब छोटे छोटे बच्चों में ही, हम जब स्कूल में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको पेट दर्द शुरू हो जाते हैं, मतलब तो इसके लिए क्या है? मतलब देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपकी वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को लाभ मिल जाएगा इसका। जिनको गैस एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, उनको आंवले के चूर्ण का सेवन करना चाहिए रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ। अगर आंवले का चूर्ण नहीं मिलता है तो आप मार्केट में जाइए, किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण का आप सेवन कीजिए। दूसरी चीज़, चाय जो दूध वाली चाय है, दूध वाली चाय जहर समान है, दूध वाली चाय नहीं पीनी है। उसकी जगह पर आप तुलसी के जो पत्ते हैं, या फिर आपके घर में अगर तुलसी के पत्ते हरे मिलते हैं, नहीं तो गिलोय है, तो गिलोय का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। गिलोय भी नहीं है तो आपके घर में बिच्छू घास पाई जाती है, सिन्ना, उसको सुखाइए, उसका चूर्ण बनाइए, उसकी भी आप चाय पत्ती बना के ले सकते हैं। वो आपकी एसिडिटी, कब्ज को ख़त्म करेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी आपको चाहिए कि मुझे चाय बनाने का समय भी नहीं है तो मुझे इंस्टेंट कुछ रिलीफ दें, तो आप एरंड का तेल आता है 100-150 रुपये का आ जाएगा, कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं, उसका 1 चम्मच गर्म गुनगुने पानी के साथ रात को आपको ले लेना है। पेट में जितनी गंदगी है, अशुद्धि है, सब बाहर हो जाएगी। बाकी रोज नियमित 1 घंटा योग अभ्यास करना है, 2 से 3 किलोमीटर का वॉक करना है, 3 से 4 लीटर का पानी का सेवन करना है। जिनको ज़्यादा वेट लॉस करना है उसके लिए वो जीरे का और मेथी का पानी का सेवन करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए जो दर्शक हैं वो शिवाश्रम के कार्यालय बीड़ में पधार सकते हैं। नमस्कार। यह औषधि भी आप मतलब खुद स्वयं से बनाते हैं इसको? ये मैंने अभी कल ही बनाई हुई थी औषधि। इसमें हमने मुल्तानी मिट्टी और अम्बा हल्दी यूज़ कर रखी है, और ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बना रखा है जिनकी डार्क स्किन रहती है और धूप से जल जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका 1 हफ्ते तक उपयोग किया जा सकता है। किसी की डार्क स्किन है, या किसी की स्किन पे झुर्रियाँ हैं, किसी के दाने वगैरह आ रखे हैं, या फिर डार्क स्पॉट आंखों के नीचे हो रखे हैं, तो सिर्फ इसको आप 1-1 दिन छोड़ के लगाना है। लगाने की विधि मैं आपको बता दूँ। रात को लगाया इसको, पूरी पपड़ी जम जाएगी। उसके बाद सुबह इसको साफ ठंडे पानी से धोना, गर्म पानी से नहीं धोना, ठंडे पानी से धोने के बाद हल्का सा इसमें नारियल तेल लगाना है। नारियल तेल लगाने के बाद बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। फिर आप उस दिन साबुन, शैम्पू, फेस वॉश कुछ यूज़ नहीं करेंगे। एक है हमारी दशमूल कुआत कहा जाता है, इसकी बस्ती दी जाती है अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो जैसे एनिमा दिया जाता है उसको आयुर्वेदिक एनिमा कहते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, गुदामार के द्वारा इस औषधि को परीक्षित किया जाता है शरीर के अंदर, और शरीर की सारी गंदियों को बाहर निकाला जाता है। हमारा पिथौरागढ़ में पहला पंचकर्म सेंटर है, जहाँ पर हम आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा उन बीमारियों का क्योर करते हैं जो बीमारियाँ कहीं और से ठीक नहीं हुई है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके हाथ पूरे टेढ़े हो गए थे, उनको अर्थराइटिस से शिकायत थी, डॉक्टर ने बोला कि आप पेन किलर खाओ, ठीक नहीं हो सकते हैं। तो हमने 30 दिन में मात्र में उनके हाथ पूरे एक्टिव हैं, अभी 4 किलोमीटर का वॉक करते हैं। उनका कहना था कि हमारे, मैं गैस तक नहीं जला सकती हूँ, ऐसी स्थिति थी, आटा नहीं गूंथ पाते थे। हमारे डीएम मैम जो है, उनकी सासू माँ का हमने ट्रीटमेंट किया है घुटनों का, उनकी माता जी का हमने 1 महीने का कोर्स किया था, वो प्रॉपर चल नहीं पाते थे, उनके घुटने बैंड नहीं होते थे। अभी आप अगर पूछेंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारे पिथौरागढ़ में अभी तक हम 50 से ज़्यादा लोगों का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं आयुर्वेदिक रूप से, और 95% सक्सेस रेट हमारा इसमें है। 5% वो लोग ठीक नहीं होते हैं जो हम यहाँ से ठीक करके देते हैं, उसके बाद वो वही दिनचर्या अपना नहीं पाते। आपकी जैसे बहुत कम उम्र आपकी लग रही है, और कम उम्र में आपने इतना बड़ा, मतलब जो आपकी अवार्ड्स हैं या आपको आपने जो आपने गेन किया है, बहुत बड़ी चीज़ें गेन की हैं आपने, तो ये कैसे संभव हुआ? इन रिकॉर्डों के पीछे मेरा योग का ही सारा योगदान है। टोटल 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने बनाने का मैंने संकल्प लिया था, अब मेरे जब तक है जीवन, अभी मेरे पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं,
और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहला है सबसे तेज चुटकी बजाने का, जो कि 3 मिनटों से बजाया था। दूसरा रिकॉर्ड है सबसे तेज सूर्य नमस्कार करने का, 1 मिनट में 21 सूर्य नमस्कार का। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 108 सूर्य नमस्कार करने का, 8 मिनट 28 सेकंड में। चौथा है मेरा, 8 बच्चों के साथ मैंने सूर्य नमस्कार का किया था, 1 मिनट में हमने 18 बार सूर्य नमस्कार किया था 8 बच्चों के साथ। लास्ट भी जो लेटेस्ट मैंने बनाया, इसमें 1 मिनट 40 सेकंड में सबसे तेज हनुमान चालीसा का जाप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि विश्व में अभी तक किसी ने ऐसा, जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम आई थी तो कह रहे थे कि आज तक मैं 1000 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में करा चुका हूँ सर जी, आज तक मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने ऐसा कुछ सोचा कि शीर्षासन में हनुमान चालीसा वो भी सबसे तेज। मैंने सुना है कि आप रैप भी बहुत अच्छे बना लेते हैं और बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, तो काफी आपके ऑडियो कैसेटें वगैरह भी आई हैं, तो उसमें एक पिथौरागढ़िया वाला तो बहुत ही फेमस था, तो दो लाइनें जरा उसकी सुना देंगे। पिथौरागढ़िया सबसे बढ़िया झोले लड़िया उसको बढ़िया डुंग बकड़ी का पाल पूरी झोले लड़िया उसको बढ़िया। आप कोई भी शब्द दे और कितनी भी देर तक, मैं 1 घंटे तक बिना सोचे समझे कोई भी शब्दों में उस पर इंस्टेंट रैप बना सकता हूँ। आप कोई भी शब्द देंगे जैसे हमारे पहाड़ पे, जी पहाड़ पे, पहाड़ों की बातें मैं करूं, पहाड़ी हूं मैं और पहाड़ी बातें दिख लाऊं, क्योंकि रहता हूं मैं बोलता हूं गिरदा से सुनो भाई, मैं हूं पहाड़ी और पहाड़ी मेरी पहचाने, शब्द नहीं आदोगे तो मैं आगे बोलूंगा कुछ जैसे काला चश्मा लगा के आए गिरदा भाई मेरे है पहाड़ी भाई। जैसे अभी राम जन्मभूमि का बहुत चला, अभी राम मंदिर का भी वापस गाना सुना, राम नाम सुन के मेरा दिल होता खुश जैसे कांप जाती रूह, हनुमान जी के वक्त 22 जनवरी को होनी है प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन खुले भाग्य मेरे होगा चार, सनातन धर्म हिंदू मेरी पहचान, जहाँ जन्म लिया मेरा देश ये महान, और मुझे है अभिमान मुझे अपने देश पे उस भूमि पे जहाँ जन्म लिया, जय श्री राम बोलूं जय श्री राम। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं और मतलब मुझे ये लगता है कि जितने आधे बीमारी तो आप अपने इस टैलेंट से ही मतलब उनकी दूर कर देते होंगे। योगाचार्य विजय जी द्वारा योग और आयुर्वेद को केवल हिंदुस्तानियों में ही नहीं वरन देश के बाहर से आए विदेशियों में भी इसकी अलग जगह दी है। बैंड फॉरवर्ड फुली फॉरवर्ड राइट इनहेल टेकिंग अप सपोर्ट एंट्री योर। इतना ही नहीं, इनके द्वारा अपनी मातृभाषा कुमाऊनी को भी विदेशियों को सिखाने का प्रयास किया गया। अबाउट फादर इज योर यू शुड कॉल योर फादर ओके बाजू याकिन आ बाजू याकिन आ बाजू दूसरे अमा गर्गिन आ अमा और गर्गिन यू आर गोइंग समवन सो यू विल आस्क यो बाटो का जानिया हो बाटो यो बाटो का जाना हो और आ गड़िया पत्तों लगाया सबसे सबसे बढ़िया बढ़िया मुनशहरी आ रही है। कहा मुनशहरी? बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया लग रही है मुनशहरी में। नहरी लग रहा है, टोपी बढ़िया क्वाल टोपी हो यो। हाँ पहाड़ी हाथ पहाड़ी टोपी। नमस्कार, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके संस्था में ये च्यवनप्राश भी बने हुए, क्या खास है आपके च्यवनप्राश में? देखिए सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप अभी शिवाश्रम में हैं, अभी हमारे यहाँ पर च्यवनप्राश जो बन रहे हैं, विशेष जो च्यवनप्राश हमने आप लोगों के लिए निर्मित किया है, जो गुड़ से बना हुआ है, और विशेष रूप से जो अभी सर्दी का मौसम है, इस समय बहुत प्रकार की शारीरिक समस्याएं आती हैं, कमजोरी होती है, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, सिर दर्द होना,
जुकाम लगे रहना, इस तरह से अनेक जो है जो समस्याएं आती हैं उसके लिए यह च्यवनप्राश बनाया गया। कि आप जैसे दावा करते हैं कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, तो जैसे अभी जो पहाड़ों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक दर्द की, कमर दर्द की, ये मतलब और जिसको बोलते हैं शायद हमारे यहाँ के पास में बात जी जी, वो कभी घुसते के ऊपर है, इसका इलाज न एलोपैथिक में कर पाया तो आयुर्वेदिक में आपके इसके लिए क्या है? देखिए वात दोष में 80 बीमारियां आती हैं, 80 बीमारियों में से पहाड़ों में जो मुख्य बीमारी है वो हमारी घुटना दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, और कमर दर्द जो होती है हमारी ये भी हमारे आर्थराइटिस का ही एक हिस्सा है। अब गठिया अगर हो गया तो लाइलाज बीमारी है, वो एक ऐसी बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिजीज है और किसी दवाई से वो ठीक नहीं होती है। उसका क्या है, निवारण क्या किया जाता है उसका, एक तो खान पान पूरा बदलाव करते हैं, सुबह उठने से रात के सोने तक की दिनचर्या चेंज करते हैं। दूसरी चीज, उनको नियमित योगाभ्यास उनके शरीर के हिसाब से हम करवाते हैं, तो यहाँ पे हमने उनका डाइट प्लान चेंज किया है। दूसरी जगह पे हमने उनका पूरा पर उनके हिसाब से योगाभ्यास शुरू किया है। तीसरी, घरेलू उपचार जो घर में उनके अंदर वो किया जा सकता है, जैसे नीम, और मैं बताऊँ आपको, नीम और करेला का उपयोग करेंगे आप, गिलोय का जूस का उपयोग करेंगे, जीरे का पानी का उपयोग करेंगे, हल्दी मेथी सौंठ सर्वोत्तम है गठियाबाद के लिए, वो उपयोग किया जाता है। उसके बाद थेरेपियाँ दी जाती हैं, यहाँ पे काले तिल का तेल जो ओरिजिनल काले तिल का तेल है वो यूज़ किया जाता है, अरंडी का तेल उपयोग किया जाता है, महानारायण तेल उपयोग किया जाता है, सारे दर्दनाशक तेल उपयोग किए जाते हैं। तो वो जो दर्द उठता है वो जो बात होता है वो कुछ नहीं होता, वो गैस का गोला होता है। वो गैस का गोला क्या है, जब हमारा पेट साफ नहीं हुआ है तो शरीर में वो गैस का गोला हमारे हड्डियों के बीच में चले जाता है, जहाँ जहाँ पे हमारी हड्डियाँ खोखली हो गई हैं, हड्डियों के अंदर सेनोनियल नाम का एक फ्लूड पाया जाता है, उसको ग्रीस कहा जाता है। वो ग्रीस जब घिसने लगता है कहीं पर भी, घुटनों में सबसे ज़्यादा घिसता है वो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होती है यहाँ पे, तो जब वो घिस गया तो वहाँ पे जगह खाली हो गई और वहाँ पर वो बात घुस गया, तब जाके वो चीज़ दर्द करती है। तो पहाड़ों के लिए मैं बताऊं, अगर किसी को भी घुटना दर्द है, कमर दर्द है, तो 10 दिन का हमारा मिनिमम थेरेपी कोर्स रहता है और मैक्सिमम 21 दिन का, जिसमें हम पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक इलाज करते हैं बिना किसी दवाई दिए। क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर को कि आपके आश्रम? देखिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आश्रम में आए और आप अपने दर्शकों को इतना सोचते हैं कि आपने ये सोचा कि मैं अगर इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो जो मेरे दर्शक हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं अभी इतना मैं कह सकता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अगर मैं मिनिमम अगर बताऊँ, अगर 1000 लोगों के पास भी जाती है तो उसमें से 800 लोग वो होंगे जिनके घर में या रिश्तेदार में किसी न किसी को ऐसी समस्या है, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा लाभदायक वीडियो हो गई कि उनको पता चलेगा कि पिथौरागढ़ में अब ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अध्यात्म आयुर्वेद और योग की ओर वापस आएँ और फिर से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे प्राचीन हमारे खुद पूर्वज लोग किया करते थे, तब हॉस्पिटल नहीं थे तो इसी तरह से इलाज किया जाता था, समय उसी का आ रहा है, धीरे 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 हम वापस उसी हो रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी एक शेयर से क्या पता किसी और की ज़िंदगी बन जाए, क्या पता आपके एक शेयर करने से उसके 1,00,000 रुपये बच जाए। तो भलाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक तो इस वीडियो को पहुँचाएँ। बाकी गिरदा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते रहें और अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9917121188, मैं एक ही नंबर यूज़ करता हूँ, तो इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं।